दोस्तों, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को लेकर एक नया अपडेट आया है। संबल पोर्टल पर नए पंजीयन फिर से चालू हो गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए। उसी से आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अभी 21 जून 2021 को मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकारों के पंजीकरण बाबत दोस्तों ये लेटर जारी हुआ है। दोस्तों, इसमें संदर्भ में दो लेटर दे रखे हैं। इन दोनों लेटर की PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आगे लिखा हुआ है, उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 के सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकारों के पंजीयन संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। उक्त प्रथम संदर्भित आदेश के तारतम्य में असंगठित कर्मकारों का पंजीयन 1 अप्रैल 2018 से 15 मई 2018 तक अभियान के रूप में किया गया था। द्वितीय संदर्भित आदेश द्वारा पंजीयन की कार्यवाही में आधार EKYC अनिवार्य किया गया था। दोस्तों, इसमें पहले लेटर में 1 अप्रैल 2018 से 15 मई 2018 तक अभियान के रूप में संबल कार्ड बनाने के लिए आदेश जारी किया गया था। और दोस्तों, जो दूसरा लेटर है 4 जून 2019 का, इसमें नए पंजीयन के लिए आधार EKYC अनिवार्य कर दिया गया था। एतद् द्वारा द्वितीय संदर्भित आदेश क्रमांक 4/19 के द्वारा लागू की गई EKYC की अनिवार्यता शिथिल की जाती है तथा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में परिभाषित असंगठित कर्मकारों का पंजीयन सतत रूप से किए जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तो दोस्तों, जो दूसरा लेटर है उसमें EKYC की जो अनिवार्यता थी वो अब खत्म कर दी गई है, यानी कि अब बिना EKYC के द्वारा भी संबल कार्ड बन जाएंगे। इस प्रकार ऐसे कर्मकार जो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 की परिभाषा में आते हो, वह 18 से 60 वर्ष की आयु के मध्य के हो, अथवा जिनके द्वारा योजना प्रारंभ दिनांक 1 अप्रैल 2018 के उपरांत पंजीयन के समय तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो, किंतु 60 वर्ष की आयु पूर्ण की गई हो, से आवेदन प्राप्त कर आवेदन में उल्लेखित जानकारी के सत्यापन व नियोजन की श्रेणी के परीक्षण के उपरांत पात्र पाए जाने की स्थिति में NIC द्वारा विकसित संबल पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीयन की कार्यवाही की जा सकेगी। इसी प्रकार से दोस्तों, कर्मकार का पंजीयन भी चालू हो गया है। 18 से 60 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए और जो शासन द्वारा नियोजन की श्रेणियां है उसमें पात्र होना चाहिए। संबल पोर्टल पर उनका पंजीयन किया जा सकेगा। अतः कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के समस्त पात्र असंगठित कर्मकारों का पंजीयन सतत रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें। दोस्तों, संबल पोर्टल पर आधार EKYC की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब बिना आधार EKYC के भी संबल पोर्टल पर पंजीयन चालू हो गए हैं। दोस्तों, संबल कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए हमने संबल पोर्टल ओपन कर लिया है और मैं सिंपली यहाँ पे ये चार्ट बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आवेदन पत्र प्रबंधन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आवेदन पत्र में पंजीयन हेतु आवेदन प्रविष्ट करें, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक श्रमिक की ID डाल देता हूँ, कैप्चा कोड डाल देते हैं। और दोस्तों, आवेदक की जानकारी देखिए, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सूचना आ रही है, आपके द्वारा प्रविष्ट समग्र ID के सदस्य का अभी आधार EKYC नहीं हुआ है, कृपया पहले सदस्य का EKYC करें, उसके उपरांत जन कल्याण संबल हेतु आवेदन करें। तो दोस्तों, इस योजना संबंधित लेटर तो जारी हो गया है, लेकिन पोर्टल पर अभी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही दोस्तों पोर्टल पर अपडेट होगा, मैं निश्चित तौर पर आपको नया आवेदन किस प्रकार से करना है इसका वीडियो बना के बताऊंगा, आप बने जरूर रहिए मेरे साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपकी कोई समस्या है, सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।